नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट बच्चन पांडे ट्रेलर अक्षय कुमार का और कृति सैनन का आउट हुआ है एंड आई डोंट नो व्हाई बच्चन पांडे रिमाइंड्स मी ऑफ दिस सॉन्ग बच्चन बच्चन पांडे। और मुझे याद भी नहीं यार ये किसी तो मूवी में ये सॉन्ग था, आई जस्ट फॉरगॉट दैट। आई थिंक दिस इज द सेकंड मूवी ऑफ अक्षय कुमार एंड कृति सैनन टुगेदर। फर्स्ट मूवी हाउसफुल थी जो एक टॉर्चर थी, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस ट्रेलर, सो लेट्स वॉच इट। अर्शद वास रावण है, वो रावण उसका दिल और उसकी आंख दोनों पत्थर के मुकाल बनाए रखे के लिए तय बनाए के रखना बहुत जरूरी है। दैट इज सम यूनिक लुक, ऐसी सैड पत्थर की आंख है तो रूथलेस। तू मेरा साथ नहीं देगा, तू मतलब मेरी फिल्म में रोल भी नहीं करेगा। ये सेकंड हीरो ही होते हैं जो मेन हीरो को खा जाते हैं। वो अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट है। चल पहले बच्चन पांडे के चमचों को पकड़ ले। ये है कांडी, अजीबोगरीब कांड करता रहता है। ये पेंडुलम, ये फेवड़ा लव पिंकी से और लफड़ा हर किसी से करता है। साले की ऐसे पूरे गाना का नाक खोल देगा। It's a pretty nice cast. ज्यादा लपड़ टपड़ किया ना यही गाड़ देंगे। मैं बस आप फिल्म बनाने आई थी। जैसे वो सत्या सरकार गैंग्स ऑफ वासेपुर वैसे बच्चन पांडे। अब तक आपने कितने लोगों को मारा? आपका 50, हम सबका 20, टोटल 70 हो गया भैया जी। और इन दोनों को मारे होते तो 72 हो जाते। और ये हमारे गुरु जी हाँ, भावेश भोगलो, बहु बजाओ से मायरा इन पत्थरों को तराश। Are you serious? ये जो cast, like everyone is an amazing actor. गुरु जी का आशीर्वाद नहीं लो, just अच्छा चाहो, मायरा क्लिक। इससे कोई आशीर्वाद लेता है? जब हमारे पिताजी कैंसर के लास्ट स्टेज पे थे और मेडिकल वाला पैसे के बिना दवाई देने को तैयार नहीं था, हमने हथियार उठा लिया। अरे कहीं नहीं बताई। अब मारते थे मजा आता था, और मारते थे और मजा आता था। जैकलिन सोफी बच्चन पांडे की महबूबा। What? मेरे को क्या करेगा ना, तू सोच भी नहीं सकती है। घोड़े लग गए, घोड़े नहीं लग। पता नहीं मुझे तेरे सामने बोल नहीं सकता। तुम पर नजर तो हमरा पत्थर वाला आंख ने भी रखा था। ये कितना रूथलेस दिखाया है। गॉडफादर बोलते हैं। As I said, he looks so ruthless, thoda sanki, pagal, and this looks like an action-packed movie. So this trailer was pretty long. Aisa hi lag raha tha ki puri jaise movie dikha di ho. But I just want to say, we see some comedy factors in the movie, and there are some times where he becomes, you know, Hercules, मतलब देसी हथौड़ा लेकर सबको मार रहा है। और सेकंड आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि ये अवार्ड शो है कि मूवी का ट्रेलर है, क्योंकि सभी एक से बढ़कर एक एक्टर्स है इसमें। वी सी दिस अक्षय कुमार्स कैरेक्टर, स्पेशली अक्षय कुमार ने अच्छी एक्टिंग की है, पूरा कैरेक्टर में वो ढल गया उसमें। वी सी दिस रूथलेस गुंडा जो ही डजंट केयर अबाउट रूल्स रेगुलेशंस, और उसमें भी कृति सैनन को दूध चढ़ा है कि ऐसे इंसान के ऊपर मूवी बनाए। एंड शी मीट्स हिम, वी सी कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब बॉलीवुड
लोड क्या कम पड़ गया था गुंडे के ऊपर मूवीज बनाने की, कृति सैनन को भी मूवी बनाना है। जोक्स अपार्ट, देयर वर सम सीन्स व्हिच काइंड ऑफ सरप्राइज्ड मी व्हेन अक्षय कुमार किल्स हिज ओन गर्लफ्रेंड, आई थिंक दैट वाज जैकलिन फर्नांडिस, डिड आई सी दैट राइट? लेकिन आई डोंट थिंक वो सस्पेंस जैसा हो सकता था, लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि ये ट्रेलर में क्यों दिखाना था। That scene was really crazy where Akshay Kumar, you know, chak ke saath ting ting apni eyes ke saath, you know, we know it is a stoned eye, lekin seeing that as a human, seeing that, it kind of makes you like, ooh. And even in comedy factor, we see some amazing cast jo comedy ke liye bahut hi judge se hai, like Sanjay Mishra, Pankaj Tripathi, Arshad Vasi, it's a good cast. But seeing Akshay Kumar doing comedy, it's kind of, you know, stress-free, you get relief. Like, uski comedy dekhkar itna maza aata hai. Like, action and comedy, dono ko kaise saath mein nibhana hota hai, wo Akshay Kumar ko achche se aata hai. Thinking about Kriti Sanon, we have seen her growing as an actor jab se maine Mimi movie dekha hai. Because other times we always see her is as a side chick, you know, lovey-dovey character. Lekin wo ek female-centric movie देखने के बाद वी कैन से कि शी इज ऑल्सो अ गुड एज एन एक्टर, सो इट्स डेफिनेटली अ गुड कास्ट। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर यू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।